भारत में NHAI ने एक नया नियम लागू किया था 1 अप्रैल से, जिसका नाम था वन व्हीकल वन फास्टैग। सो ये जो नियम है, इसका मेन पर्पस ये था कि पहले क्या होता था, जब फास्टैग बना था तो एक ही यूजर एक फास्टैग का मल्टीपल कार्स के लिए यूज करते थे। तो इस पर रोक लगाने के लिए NHAI ने नया रूल बनाया वन व्हीकल वन फास्टैग, ताकि इसमें जो फास्टैग के थ्रू होने वाले फ्रॉड्स हैं उन्हें कम किया जा सके। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनके पुराने जो फास्टैग हैं वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि नया फास्टैग खरीदे कहाँ से और बनवाए कहाँ से। तो बहुत यूजर्स को ये प्रॉब्लम होने लगी है, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत सिंपल सोल्यूशन बताती हूँ जिसके जरिए आपको बहुत कम टाइम में घर बैठे एक नया फास्टैग मिल जाएगा। सो इसके लिए स्विगी इंस्टामार्ट, जो कि एक फूड डिलीवरिंग ऐप है, उसने एक नई सर्विस स्टार्ट की है जिसने अब फास्टैग डिलीवर करना शुरू कर दिया है। आपको बस एक बार ऑर्डर करना है और आपका जो फास्टैग है वो आपके घर आ जाएगा। और कंपनी ने सर्विस के लिए इंडसलैंड बैंक के साथ पार्टनरशिप भी की है। तो अब जान लेते हैं कि कैसे आप स्विगी इंस्टामार्ट के थ्रू फास्टैग को ऑर्डर कर पाएंगे। उससे पहले मैं कुछ डिटेल्स आपको दे देती हूँ। जैसे कंपनी ने अभी ये सर्विस सिर्फ 29 सिटीज में ही स्टार्ट की है, ये अभी स्टेप फेज में है, धीरे धीरे आपकी सिटी में भी ये सर्विस आ जाएगी। सो अगर आप एक बार स्विगी इंस्टामार्ट से फास्टैग ऑर्डर करते हैं तो विद इन 10 मिनट के टाइम पीरियड में आपको ये डिलीवर हो जाएगा। सो इस इंस्टेंट फास्टैग डिलीवरी सर्विस के लिए स्विगी इंस्टामार्ट ने इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। अब जान लेते हैं कि ये फास्टैग कैसे आपके पास डिलीवर होगा। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये सर्विस अभी केवल 29 सिटीज में रोल आउट की गई है, आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे से एक्सपैंड किया जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, पहली बात तो आपको फास्ट डिलीवरी मिलेगी और बैंक पोर्टल और जो लंबा प्रोसेस होता है फास्टैग बनाने का, उन सबका जो टाइम है वो बचेगा, और आपको इमरजेंसी में अगर फास्टैग चाहिए तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। सो अभी तक तो हम स्विगी इंस्टामार्ट का इस्तेमाल सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए ही करते थे, लेकिन अब आप इन तरह की सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि वन व्हीकल वन फास्टैग क्या है, तो मैं आपको एक बार और सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ ये क्या सर्विस है। सो केंद्र सरकार ने सभी व्हीकल्स के लिए फास्टैग रोल आउट किया था, जिससे जो ट्रैवलिंग है वो आसान हो सके और टोल टैक्स पर जो ट्रैफिक जाम लगता है उससे बचा जा सके। सो पेटीएम ने कुछ टाइम पहले अपना फास्टैग सर्विस को बंद कर दिया था। तो फास्टैग को लेकर ना दिन पर दिन भारत में नए अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे अगर आपने अभी तक फास्टैग का KYC अपडेट नहीं कराया है तो आपको ये काम भी तुरंत करा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पेटीएम पर फास्टैग का इस्तेमाल करते थे तो पेटीएम पर जो फास्टैग की सर्विस है उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन आप पेटीएम के थ्रू एक नया फास्टैग क्रिएट कर सकते हैं और आप HDFC बैंक के थ्रू एक नया फास्टैग बना सकते हैं। तो फास्टैग से रिलेटेड ये सब जो क्वेरीज हैं, इनके लिए हमने अलग अलग वीडियोस भी क्रिएट किए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर करूंगी, तो आप उन वीडियोस की मदद से जो भी फास्टैग से रिलेटेड काम है, रिचार्ज करना, नया फास्टैग खरीदना, फास्टैग को डीएक्टिवेट करना, ये सब काम आप उन वीडियोस से मदद लेकर कर सकते हैं। और इसके अलावा फास्टैग को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप उसको ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी ऐसी कोई क्वेरी है जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।